अभी अभी भारतीय रेलवे के तरफ से लोकल ट्रेन के लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों इस खबर के विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 29 जनवरी से अपनी पूरा क्षमता के साथ पटरियों पर दौड़ेंगे मुंबई की लोकल ट्रेनें। देश के आर्थिक राजधानी मुंबई के लाइफलाइन कहा जाने वाला लोकल ट्रेन नेटवर्क से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 जनवरी 2021 से मुंबई की लोकल ट्रेनें अपनी पूरा क्षमता के पटरियों पर दौड़ेंगे। हालांकि आम आदमी को सभी भी राहत नहीं मिली है क्योंकि वेस्टर्न रेलवे के इन लोकल ट्रेनों पर सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकेंगे। बता दें कि अभी तक लोकल ट्रेन सिर्फ सीमित क्षमता के साथ चल रही थी लेकिन अब ये पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि लोकल ट्रेनों से प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया जाएगा। उद्धव ने सोमवार को एक बैठक के बाद कहा था कि आम आदमी जल्द ही पहले की तरह लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सभी के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा हुआ और स्थिति की समीक्षा की गई थी। बैठक में इस बात की चर्चा हुई थी कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच पूरी क्षमता से कैसे लोकल ट्रेन शुरू किया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल सभी लोकल ट्रेन में यात्रा करने की छूट नहीं दी लेकिन भविष्य के मद्देनजर इसी पूरी क्षमता से चलाने का फैसला किया है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र 157 स्टेशनों को मिलकर 390 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोरोना काल में पहले डेली लगभग 85 लाख यात्री 3,200 ट्रेन सेवाओं का उपयोग करते थे। इन यात्रियों में मुंबई के मैसूर डब्बा वालों से लेकर राजघर से ऑफिस जाने वाला यात्रा करते हैं। पिछले काफी समय से मुंबई के नागरिक लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग कर रही है। वही पैसेंजर एसोसिएशन ने भी जल्द से जल्द ही के लिए मुंबई लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की है। हालांकि फिलहाल सरकार का फैसला 29 जनवरी से लोकल ट्रेनों का पूरी क्षमता से चलाने को लेकर हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाला दिनों में आम लोगों को भी लोकल में यात्रा की इजाजत दी जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।